हमारी मांग है कि शक्ति शर्मा हमारे बीच में मंत्री बनकर आए, पूरा पूरा सहयोग देंगे हम उनके साथ और वो मंत्री बने। माध्यम से मैडम सत्यनारायण शर्मा को इस एजाज की जीत के लिए बधाई देना चाहती हूँ और सरकार से अनुरोध करती हूँ कि उनको मंत्रालय दिया जाए ताकि वो हमारे विकास के कार्यों में बढ़ चढ़ कर सहयोग दे सके। जी मैम, आज चुनाव जीतने के बाद पहली बार रायपुरा नहीं पहुँचे हो, कैसा लग रहा है और कहाँ कहाँ का दौरा रायपुरा नहीं रखे? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ सबके साथ मिल रही हूँ और सबसे पहले मैंने आके खेड़े पे मत्था टेका है और फिर माँ माता के चरणों में शीश दिवा के मैंने अपने पूरे परिवार सब जगह हर परिवार के सदस्य को मिलना है और बहुत खुशी है क्योंकि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव था हर एक व्यक्ति ने खुद अपने आप से लड़ा है, उन्होंने उसको अपना चुनाव बना के लड़े हैं तो वो सब बधाई के पात्र हैं। मैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। इस तरह से जो चुनाव का पूरा सफर रहा है और आपकी फैमिली पूरी जो है चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी और जीत के एक दिन बाद आप रायपुर आने पहुंचे, तो बीच का कितना सफर है, आप फैमिली को कितना टाइम दे पाए और जनता के लिए कितना टाइम दे पाए? देखिए अब तो मेरी कालका जो हल्का है वही मेरी फैमिली है और अब पूरा मेरा सारा समय इनके लिए है और अपने परिवार के साथ तो मैं समय बिताती ही थी पर लेकिन मेरा अब सारा समय और तवज्जो मेरे हल्के के लिए है। उसके बाद घोषणा पत्र बनाए गए हैं तो इन समस्याओं को आप किस प्राथमिकता के आधार पर कब तक इनके लिए काम करना शुरू कर दिया? बहुत लंबे सवाल आपने एक साथ पूछ लिए हैं एक एक करके सबका जवाब दूंगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोगों के अंदर बहुत खुशी है और आत्मीयता है और बहुत उनका आशीर्वाद मुझे मिला है और मैं जो ये इनका प्यार है इसको संजो के रखना चाहती हूँ, अपने दिल के करीब रखना चाहती हूँ। और जो मेरा सफ़र रहा है, दिक्कतें बहुत हैं लोगों की, शहरों में हर क्षेत्र के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और इसीलिए हमने अलग अलग मैनिफेस्टो बनाए हैं और उनको उसी के तर्ज पे हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे और जो भी प्राथमिकताएं पहले लोगों की वहाँ होंगी उनको हम आगे रख के चलेंगे और उसमें सबसे प्रथम है नशा मुक्त हमारा जो क्षेत्र है उसको करना है, वो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे लोग अभी तक वंचित थे या त्रस्त थे मैं कहूँ, उनको दुरुस्त करना है और उसके बाद जो हमारे चुनावी वादे हैं उनको एक एक करके सब पूरा करेंगे। तो धन्यवाद, दौरे लगातार जारी रहेंगे। बिल्कुल जी, देखिए जिन्होंने इतना काम किया है, मेहनत करी है, वो धन्यवाद के पात्र है, हर किसी का धन्यवाद करना चाहते हैं। एक महिलाओं के द्वारा आवाज उठाई जा रही है कि शक्ति रानी शर्मा की कालका से बड़े अच्छे माध्यम से चुनाव जीत चुकी हैं, अब उनको मंत्रालय दिया जाए तो इसको लेके आप क्या कुछ कहोगे? देखिए ये सरकार जो निश्चय करेगी, जो मुझे जिम्मेवारी देगी उसको मैं बड़ी ईमानदारी से निभाऊंगी और अभी भी मुझे जो जिम्मेवारी मिली है उसको मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ और अपना जो मैंने निश्चय करके मैं लोगों के बीच में आई हूँ कि मैंने यहाँ पे कालका में लोगों की सेवा करनी है उसको आगे रख के चलूँगी। प्रीता शर्मा है, मैं रायपुरानी की रहने वाली हूँ। शक्ति रानी शर्मा जी विधायक बन के आप लोगों के बीच आई हैं, महिला हैं, तो किस तरह से देखते हो? हमें जो विधायक बनकर आई है बहुत अच्छा लगा ताकि ये हमारा हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चल सकें और अपनी बात हम उनके सामने रख सकें। क्या कुछ मांग है सरकार से, क्योंकि अभी सरकार बनने जा रही है, मंत्रालय भी बन रहे हैं, तो क्या कुछ मांग है? हमारी मांग है कि शक्ति शर्मा हमारे बीच में मंत्री बनकर आए और हम उनसे अपनी बात रख सकें। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैडम सत्यनारायण शर्मा को इस एजाज की जीत के लिए बधाई देना चाहती हूँ और सरकार से अनुरोध करती हूँ कि उनको मंत्रालय दिया जाए ताकि वो हमारे विकास के कार्यों में बढ़ चढ़ कर सहयोग दे सके और मैं अपनी तरफ से उनको जीत के लिए ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दूँ मैडम सत्यनारायण शर्मा जी को, भाई कार्तिकेय शर्मा जी को और पंडित विनोद शर्मा जी को।